व्हाट इज अप गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त मासूम जफर। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम कुछ, वैसे तो हम अलग ही करते हैं, तो आज भी हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो आज जो हम करेंगे वो क्या है, गुड़ प्लस विनेगर, मतलब गुड़ और विनेगर को मिला के देखेंगे कि वो क्या बनाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा यार। सबसे पहले कि अगर जो भी कोई नया है वो सब्सक्राइब कर लो और उसको उसको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं गुड़ प्लस विनेगर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, विनेगर। तो ये हमारे पास विनेगर है, ये पिछले वीडियो में यूज किया था ना, उसका बचा हुआ था, तो ये वो विनेगर है। दूसरा हमें क्या चाहिए, गुड़। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, गुड़ दिख रहा है आपको, ये गुड़ है, ये सच में गुड़ ही है। हाँ ये गुड़ ही है, काफी बढ़िया लगता है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास गुड़ है और ये हमारे पास विनेगर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गुड़ में, इसी जो हमारे पास ये डोंगा है, इसको डोंगा बोलते हैं, तो इस डोंगे में विनेगर डाल के देखेंगे। उसके बाद थोड़ी देर इंतजार करके देखेंगे कि क्या होता है इसमें। ठीक है ना, मतलब मे भी कुछ होना चाहिए या फिर उसका टेस्ट फिर पता करेंगे कैसा टेस्ट लगता है। उसके बाद गुड़ का हम पानी बनाएंगे, मतलब रस बना के फिर उसमें विनेगर मिक्स करके देखेंगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास गुड़ है, ये हमारे पास विनेगर है और ये एक नॉर्मल सा बोतल है। तो इस बोतल में हम सबसे पहले क्या करने वाले, इस विनेगर को डाल के मतलब इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये विनेगर मैंने डाल दिया है, ये सच में विनेगर ही है, देखो आपको महक आ रहा होगा, आ रहा है महक, सुन के देखो। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि कैसा आपको महक लगा या नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास विनेगर है, ये हमारे पास गुड़ है। तो अब हम गुड़ में डालने वाले, उससे पहले इतना गुड़ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेते हैं हम खाने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास, ये हमने रख लिया, ये एक टुकड़ा डाल देते इसमें। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया है एक टुकड़ा इसमें गुड़, और ये हमारे पास क्या है, खटाई, खटाई क्या मतलब विनेगर। ठीक है, जो चौमिन में डालता, और ये हम जा रहे हैं इसमें विनेगर डालने के लिए। और ये हमने इसमें विनेगर से इसको पूरा सिंक कर दिया है, मतलब डुबो दिया है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वेट करके कि क्या होता है। ओह बुलबुले, कैमरामैन इधर दिखाओ, ये बुलबुलों को दिखाओ, दिख रहा बुलबुला, इधर से भी एक बुलबुला उठ रहा है। अभी थोड़ी देर हम वेट करके देखते हैं क्या इसका रहता है। ओ दोस्तों, इम्तिहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर तेरे की। चलो कोई, तो अब जो है काफी देर हो गया है और ज्यादा हलचल इसमें दिख नहीं रहा है, तो अब हम इसको निकाल के इसका देखेंगे क्या ही है, मतलब क्या ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको निकालने वाले हैं। तो ये एक और प्लेट हमारे पास है, अब इसमें हम निकाल के देखेंगे इसको, आप हाथ यूज कर सकते हो, मैं चिमटा भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ो यार मैं हाथ यूज कर लेता हूँ। तो ये मैंने इस गुड़ को निकाल दिया है और ये हमारे पास ये बचा हुआ है। नॉर्मली अगर आप किसी पानी में डालोगे, किसी पानी में डालते हो इसको, तो ये इस कलर का नहीं देगा, मतलब इसको करना पड़ेगा थोड़ा, इसको चूरना पड़ेगा या फिर कुछ मिक्स करना पड़ेगा,
तब जाके या स्टेयर करना पड़ेगा, तब जाके इस कलर का देगा, मतलब कि कुछ तो दिखा रहा है कि मतलब कुछ तो हुआ है इसके साथ, मतलब इसको थोड़ा सा मेल्ट तो किया है इसने, लेकिन ये महक बहुत ज़्यादा ही अजीब हो गया है, जैसे पहले विनेगर का होता था ना, तो वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, मतलब इतना नाक में लग नहीं रहा है जितना पहले लग रहा था। और इसके सीरियसली दोस्तों, इसके खटास को ना, जो विनेगर का खटास होता है, उस खटास को भी खत्म कर दिया है, ठीक है। तो इसके खटास को खत्म कर दिया ये देखो। और बोलते हैं ना कि गुड़ हमें डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं, गुड़ हमें खाना चाहिए, उसका डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब कि इसकी एसिडिटी को खत्म करता है, जो स्टमक में HCl ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो गुड़ हेल्प करवा उसको खत्म करने में हेल्प करता है, मतलब इसके खटास को खत्म कर दिया, और खटास मतलब एसिडिटी, ठीक है। तो ये हमारा गुड़ और विनेगर वाला तो ये कर लिया हमने, अभी क्या करेंगे हम, गुड़ का रस बना के उसमें फिर मिलाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या उसका होता है, ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो ये दोस्तों हमने क्या कर दिया, इसके जूस बना दिया हमने, गुड़ का, गुड़ और पानी का जूस बना दिया, ये दिख रहा है, ये मैंने जूस बना दिया। अब क्या करेंगे, इसमें विनेगर को मिक्स करेंगे। तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेट में जो हमारे पास डोंगा था, इसमें मैं ये वाला जूस डाल देता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैंने लाइट ही किया है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसमें जो गुड़ और पानी का जो मैंने बना रखा था मिक्सर, वो इसमें डाल दिया है। अब क्या डालेंगे इसमें, विनेगर। तो ये हमारे पास इसमें भी है और इसमें भी विनेगर है, तो ये बोतल वाला विनेगर क्या करता हूँ मैं, और इसमें मैंने ये विनेगर डाल दिया, ठीक है, विनेगर डाल दिया है। और अब ज्यादा जगह नहीं है हमारे पास, तो हम इसको थोड़ा सा वेट करके देखते हैं, ठीक है। फिर से तैयार, फिर से हम आ गए दोस्तों, ये देखो थोड़ी देर हमने, मैंने बोला था कि थोड़ी देर इसको रखूंगा, उसके बाद देखो थोड़ी देर हमने रख दिया है, ये दिख रहा है, ये पूरा थोड़ा सा डार्क हो रहा है, पहले जो कलर था वो कलर नहीं है, अब थोड़ा सा ये डार्क हो रहा है, थोड़ी देर और वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो वेट करते थोड़ा सा इसको हम स्टीर कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो नए हो ना, वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो आपको पता ही है, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी को पेस्ट पसंद है, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो को मतलब लाइक कर देना अगर पसंद आए वीडियो तो, और आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वापस आ गए, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया वो बेहतरीन आया, ये देखो दोस्तों, ये मतलब पूरा डार्क हो गया, अगर आप देख पा रहे हो, कैमरा मैन थोड़ा सा नजदीक करो, इसको जूम करो, ये अगर आप देख पा रहे हो तो साइड में ना, इस प्लेट के साइड में एकदम मतलब पानी सा छोड़ रखा, मतलब कलर सा, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट जैसा पानी होता है ना, फिर जैसा विनेगर था पहले, उस तरीके का ये बन रखा है, मतलब ये एकदम साइड से थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये एकदम पूरा डार्क हो गया कलर, ये पूरा ही कलर डार्क हो गया, पहले हमने देखा था कि थोड़ा सा ईटे कलर का था, ब्रिक का जो कलर होता है ना, ब्राउन टाइप का, उस कलर का था, और अभी पूरा डार्क हो गया थोड़ी देर रखने के बाद। दोस्तों देखा तुमने कि विनेगर और गुड़ मिलाने से, गुड़ को अगर हम मिलाते गुड़ के जूस को और विनेगर को, तो क्या हसर होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, बाकी आगे आएंगे हम दूसरा नया वीडियो लेके, जब तक दुआओं में याद रखना, बाकी सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है दोस्तों।